दशहरे के इस महाउत्सव को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली के चंदर विहार में स्थित अबचल नगर में भी यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दशहरे के इस महाउत्सव पर रावण दहन भी किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन निलोठी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महासचिव सरदार जरनैल सिंह ने किया। इसमें अनूप शोकी ने अपना पूरा योगदान दिया। बता दें कि इस कार्यक्रम को पिछले 3-4 सालों से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में आए लोगों का मनोरंजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में नाचने गाने और कॉमेडियन की टीम को भी बुलाया गया। यह मैसेज पहुंचाया गया कि इस रावण दहन से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। निलोठी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महासचिव सरदार जरनैल सिंह ने कहा कि इस स्टेज शो के माध्यम से हम भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। देखो जी, सभी का प्यार है जो आज मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बड़े भाई अनूप जी और मेरे बड़े साथी जो भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा प्यार है जी, आज सारे रल मिल के हम सारे इकट्ठे हुए हैं और बहुत प्यार मिला है। ये इस वाई जी ये इसको बनाते मेरे को 3-4 साल हो गए इस कॉलोनी चंदर विहार के अंदर, कि जो मुझे मेरी पदवी मिली है मैं उसका आदर मान सम्मान करूँगा। जो कि मुझे जो भी कॉलोनी वासियों का प्यार मिला है, मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा और वध चढ़ के इनकी सेवा करूंगा और आगे आऊंगा। हमारा अपने तमाम साथियों को यही होता है कि आप पब्लिक के बीच में जाइए, उनके बीच में उनकी सेवा कीजिए, जो उनका सुख दुख में उनके साथ रहिए, जो उनके सामाजिक काम है, कोई भी कार्य इस तरह का है जो इनकी ज़रूरत है लोगों को। आज के दिन मैं शुभकामना यही देना चाहता हूँ कि हर मनुष्य को अपने जीवन में सदाचरण लाना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, हमेशा अहिंसा के साथ उसको रहना चाहिए और हमेशा सत्य के साथ चलना चाहिए। जो भगवान श्री राम का संदेश था वो यही है और वह आगे भी इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द दिल्ली टुडे न्यूज़।